प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट, एक इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही ज्यादा दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत के मशहूर पत्रकार यास्मीन हफीज जी को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया अली खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज से आज आपको पूरी ग्राउंड रियलिटी बताएंगी पश्चिम बंगाल में कैसे 10,000 से ज्यादा हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और क्या उसके अंजाम होंगे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहे। जय हिंद जय भारत। 2011-10 से दोस्त जो नुसरत रूही जहान जैन है, उनका आशीर्वाद। सब कुछ चल रहा है वहां पर। अच्छा, ये 5 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस के जो नेता, जो आप जिसका ये पूरा ये प्रकरण में ये मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख, इसके घर पर जब छापेमारी हुई थी तब ये संदेश खाली का पूरा इलाका जो था वो सुर्खियों में आया, तो कुछ बताएं इस बारे में। ये जी संदेश खाली की महिलाएं बहुत डरी हुई थी, पर जैसे ही उन्होंने देखा कि ईडी आ गई है, मीडिया एंटर कर रहा है, तब उनको लगा कि अब पुलिस तो उनकी सुन नहीं रहा था, उन मासूमों की तो पुलिस सुन नहीं रहा था। पुलिस तो शेख शाहजहां का, उसके बाद उत्तम सरदार का, उसके बाद फिर शिबू हाजरा का तो दलाल बन करके बैठा हुआ था, और नुसरत जहां का तो आशीर्वाद रहता ही है, 2012 से बलात्कारियों पर आशीर्वाद है। तो उनको फील हुआ कि अब हम भी प्रेस को बोल सकते हैं, और तब जाकर के ये बात सबके सामने आई। हालांकि मैं नाज़िया इलाही खान, मैं पिछले 8 साल से कंटिन्यूसली ये बात कर रही हूँ, और पिछले 2021 से मैं नासर खान की बात को उठा रही हूँ, पर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। अब जब पूरा चट्ठा मट्ठा खुला है तो लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, नाज़िया तो 2021 जब वो रेमिशन ग्राउंड से बाहर आया था तब से नाज़िया चिल्ला रही है, तब से नाज़िया बोल रही है कि नुसरत रूही जान जैन को इमीडिएट अरेस्ट करके उससे इंटरोगेशन करना चाहिए कि नासर खान के ऊपर और क्या क्या कर्तव्यों का पालन दिया गया है, और क्या क्या जिहाद के नाम पर करने के लिए कहा गया है, और कितना जिप खोल करके रखने के लिए बोला गया है, और कितनी बेटियों का वो टारगेट लेकर के बैठा है। ये सब कुछ नुसरत रूही जहान जैन को अरेस्ट कर करके पूछना पड़ेगा कि नासर खान के ऊपर और क्या क्या जिम्मेदारी है। बिल्कुल, अच्छा मैम, ये हाई कोर्ट ने जो है साफ तौर पर कहा है कि शाहजहां को बचा नहीं सकते, उसको सरेंडर कर देना चाहिए, तो हाई कोर्ट का पक्ष थोड़ा हमारे सामने रखें इस पूरे मामले को लेकर। आज चीफ जस्टिस के बेंच ने भी बहुत ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टल क्लियर कहा है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि किसी भी हाल में कोई भी इतने सेंसिटिव संदेश खाली के मैटर को कोई भी किसी दूसरे अन्य राज्यों से नहीं मैच करेगा। आपसे संदेश खाली की बात की जा रही है, आप संदेश खाली का जवाब दीजिए, आप कोर्ट को, आप उनको मिसगाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो क्या रहा था कि स्टेट के जो वकील थे वो बार बार मणिपुर पे चले जा रहे थे, मणिपुर का, हाँ तो मणिपुर पे तो भाई आरोपी अरेस्ट हुए 24 घंटे के अंदर, आप भी आरोपी को अरेस्ट कीजिए 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के बजाय तो भाई 8 साल 9 साल 10 साल हो चुका 2012 से ये चल रहा था। अब आती है बात कि दूसरी चीज उन्होंने कही है, जब सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर ये मैटर आज सुबह गया तो उन्होंने कहा कि इमीडिएट सुओ मोटो लेना पड़ेगा हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इसमें इंटरवीन नहीं करेगा, कलकत्ता हाई कोर्ट इसमें सुओ मोटो ले और इंटरवीन करके वहां के मामले को मद्देनजर देखते हुए और सही से निर्णय ले। निर्णय के द्वारा चीफ जस्टिस डबल बेंच ने ये ऑर्डर दिया कि जितने भी लीडर ऑफ अपोजिशन है वो संदेश खाली जा सकते हैं और पूरी सिक्योरिटी के साथ राज्य सरकार को उनको संदेश खाली भेजना पड़े। तो आज शुभेंदु अधिकारी जी, अग्निमित्र पॉल जी, वो लोग विजिट की थी और उसके बाद फिर साफ लफ्जों में हाई कोर्ट ने कहा है द मेजोरिटी ऑफ विक्टिम बिलोंग टू द SC/ST कैटेगरी। तीसरी बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही है, शायद 6 या 7 घंटे पहले की बात है, ऑनरेबल कलकत्ता हाईकोर्ट रिगार्डिंग द इनएबिलिटी ऑफ द स्टेट पुलिस टू एप्रीहेंड शेख शाहजहां फॉर मोर देन 90 डेज। और फिर उन्होंने कहा,
चीफ जस्टिस के डबल बेंच ने कि कंप्लीटली फेलियर दिखाई दे रहा है राज्य सरकार की पुलिस, जबकि पुलिस मंत्री जो है वो ममता बंदोपाध्याय जी हैं और राज्य सरकार की पुलिस कंप्लीटली फेलियर दिखाई दे रही है। इट्स बेटर कि शेख शाहजहां खुद से खुद को सरेंडर कर दे। अब मामला फिर से कल उठ रहा है बेंच पर, लेट्स सी क्या होता है। अब तो सिर्फ कानूनी सहारा है, इसके अलावा तो और कोई सहारा है नहीं। अच्छा मैम, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का हमने देखा, उन्होंने अपने दौरे के बाद राष्ट्रपति शासन की बात की है और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को सौंप दी है और उसके बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही है वेस्ट बंगाल में, इस पर आपका क्या टेक है? एकदम सेक्शन 356, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी हाल में मुझे एक हफ्ते के अंदर निर्णय ले लेना चाहिए और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन करना चाहिए। नुसरत रूही जहान जैन के साथ साथ शेख शाहजहां और जो उनके चट्टे मट्टे हैं उनको और साथ में नासर खान को इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए। ये पूरे ग्रुप को अरेस्ट करने से जो सच है वो सामने आएगा कि इन लोगों को हिंदू और क्रिश्चियन बहनों का जेनोसाइड करने के लिए और कितना टारगेट दिया गया था वो सामने आ जाएगा। तो इमीडिएट शेख शाहजहां, नुसरत रूही जहान जैन और नासर खान को अरेस्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, थोड़ा सा ज्योग्राफिकल बता सकती हैं लोकेशन, कैपिटल सिटी से कितना फासले पर होगा संदेश खाली? कोलकाता जहां पर मेरा चैम्बर है वो कैलकाटा हाई कोर्ट के पास है और वहां से 3.5 घंटे का रास्ता है, 58 या 57 किलोमीटर की दूरी है कैलकाटा हाई कोर्ट से। ओके हमने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो अभी हालिया उनका रिपोर्ट आया सामने, तो उसमें हमने देखा तीसरी बार लगातार कोलकाता को सेफेस्ट सिटी घोषित किया गया है महिलाओं, खास करके महिलाओं के। उसमें सवाल ये उठता है कि जहां इतनी तादाद में इतने लंबे समय से क्राइम खामोशी से होता रहा, अगर वहां पर अभी भी महिलाएं आवाज नहीं उठाती, वहां पर मीडिया इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वहां पर से रिपोर्ट सामने नहीं आती, तो ये चीज लंबे समय तक चलती रहती। लेकिन एक शहर लगातार 3 बार सबसे सुरक्षित शहरों में से एक घोषित किया जाता है, ये सवाल उठता है कि ये कैसे पॉसिबल है मैम, जब इतनी नजदीक आप जैसे बता रहे हैं इतना खौफनाक मंजर वहां पर हो रहा था, महिलाएं डरी हुई थी, ये तमाम चीजें हो रही थी, तो क्या कहेंगे? जब रिपोर्ट आई थी इस बार की 2023 की, तब भी मैंने नेशनल न्यूज पर कहा था कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो थाना में बैठ करके टीएमसी के दलाल नुमा पुलिस ऑफिसर उस मामले को पैसे लेकर के वहीं पर पंचायती कर देते हैं, एफआईआर फटता ही नहीं, रिपोर्ट नहीं होते हैं, वो रिपोर्ट होता ही नहीं है। इसी वजह से अब जा करके चीजें सामने आई हैं, तो मुझे लगता है कि अब रिपोर्ट भी सही से सामने आएगा। ये तो बहुत, आप जो बता रहे हैं ये तो बहुत खतरनाक लेवल का हो, मतलब अगर रिपोर्ट्स ही नहीं हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, महिलाओं के हरेसमेंट हो रहा है, उनका रेप हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, हद तो ये हो गई कि अभी कुछ वक्त पहले ही, अभी कुछ ही दिनों का है, पश्चिम बंगाल की जेलों में गर्भवती हो रही महिलाएं, ये हेडलाइंस के साथ चीजें चल रही थी। हाईकोर्ट के सामने आया जब ये मामला, तो हैरान कर देने वाला था, खुद हाईकोर्ट हैरान हो गया। 96 महिलाएं जो है वो गर्भवती हुई है, जिनको शायद बेचा गया है प्रिजनर्स को, और या तो फिर पुलिस ऑफिसर जो वहां पर एज अ सिक्योरिटी रहते हैं, एज अ ड्यूटी ऑफिसर रहते हैं, उन्होंने रेप किया है। इस पर भी मैंने मुद्दा उठाया था और मैटर जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया है, हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार पर धिक्कार जनाया है और इमीडिएट एक्शन लेने की बात की है। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में कोई कुछ भी नहीं हो सकता है, जब तक ये जितने भी मुसलमान नेता मंत्री अरेस्ट नहीं होंगे, जब तक नासर खान और नुसरत रूही जहान जैन अरेस्ट नहीं होंगे, तब तक सच सामने नहीं आ पाएगा। इमीडिएट नासर खान और एटलीस्ट नुसरत रूही जहान जैन को अरेस्ट करने की जरूरत। उन्होंने तो अपनी शादी भी काफी लेविश की थी, उनका देखा था इतनी ग्रैंड शादी, बाहर जाकर उन्होंने इस तरह का लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में एंटर नहीं करना चाहूंगी, पर हाँ आज अभी 5 फरवरी से संदेश खाली को जरूरत थी नुसरत रूही जहान जैन की, पर वो टेरी डे, हफ डे, वैलेंटाइन डे, रोज डे में बिजी थी और अब वो भारत से बाहर विदेश में वो अपने फोटोशूट में बिजी थी। बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी अकाउंटेबिलिटी होती है तो उसका निजी जीवन वो भी मायने रखता है, वो भी तब जब आपको बहुत सारे लोगों की जवाबदेही है और महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है और आप खुद महिला हैं और उस राज्य की सीएम भी महिला हैं, तो ऐसे में तो मैम जवाबदेही बनती है ना, चाहे कितनी भी इस पे पॉलिटिक्स हो, तमाम चीजें हो, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है महिलाओं के सम्मान की बात, उनकी गरिमा की बात, उनकी सुरक्षा की बात। अच्छे से खुलेगा यास्मीन, जिस दिन
नुसरत रूही जान जैन और नासिर खान अगर अरेस्ट हो जाते हैं तो ये मैटर और भी हॉरर और बदनुमा उनके इंटरोगेशन के बाद हम लोगों को सामने आएगा, क्योंकि तब सामने आएगा कि इन दोनों मुसलमान दोस्तों को हिंदुओं का हिंदुओं की माँ बहनों को जेनोसाइड करने के लिए और कितना कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। बिल्कुल, तो मैम आगे क्या देख रहे हैं हम इसमें, इसमें कितनी क्या डेवलपमेंट होगी, और जिस तरह से आप बता रही हैं अभी और परतें खुलेंगी और चीजें सामने आएंगी जो चीजें हमारे सामने अभी आई भी नहीं है, हालांकि जो अब तक आई है वो काफी शॉकिंग है, खौफनाक मंजर है, महिलाएं इतना डरी हुई है कि वो अपना मुंह ढककर अपनी रोते हुए अपनी आप बीती बता रही है। और देख रही थी, और मैं आपको मतलब यकीन दिला रही हूँ कि जिस दिन नुसरत रूही जहान जैन, और मैं फिर से स्टिल आई एम स्टक विद माय अर्लियर स्टेटमेंट कि जिस दिन नुसरत रूही जहान जैन और नासिर खान अरेस्ट हो जाएंगे, ये पूरा पूरा पोल पट्टा खुल जाएगा कि हिंदू और क्रिश्चियन माँ बहनों के जेनोसाइड के लिए उनको और कितना काम दिया गया था। बहुत शुक्रिया आपका, आपने काफी ही सेंसिटिव इशू है, और मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आ रहे थे कि तुम बात नहीं कर रही हो क्योंकि तुम मुसलमान हो, इस तरह की चीजें। लेकिन इस देश में हमारे उन लोगों को समझना होगा कि एक तरफ अगर लोग गलत कर रहे हैं तो एक तरफ वो लोग भी हैं जो बात कर रहे हैं, जो चीजें सामने लाना चाहते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि आप काफी वक्त से इस पूरे मुद्दे पर बात कर रही हैं, लेकिन मामला अब सुर्खियों में आया है जब खुद महिलाएं इतनी बड़ी तादाद में जब वो हार गई, थक गई और खुद सामने आई। जी, मैं नमस्कार कर रही हूँ, और जिस दिन और कल क्या संज्ञान कोर्ट लेता है उसको देख करके हम फिर इस पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बिल्कुल 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 बहुत शुक्रिया दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपको नाजिया खान जी ने पश्चिम बंगाल खासकर संदेश खाली की पूरी ग्राउंड रियलिटी बताई, क्योंकि खुद वो पश्चिम बंगाल से आती है और वो संदेश खाली भी पहुंची थी ग्राउंड लेवल पे, जहां पे उनको जाने से रोका गया, उनकी गाड़ी पे पथराव भी हुए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी इसकी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।